हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे और सब लोग अच्छे ही रहो। और ये जो वीडियो है, ये रक्षाबंधन का वीडियो है। आप लोगों के पास बहुत लेट से जा रहा है क्योंकि किसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। और क्योंकि जो रक्षाबंधन है, हम लोगों ने हॉस्पिटल में ही मनाई। उस टाइम पे मेरी बेटी एडमिट थी, इसके लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हुआ है, झूले से गिर गई है झूलते टाइम, तो इसको चोट लगी हाथ में। और 3 दिन हो गए थे, तीसरे दिन इसके चोट लगी उससे तीसरे दिन ही रक्षाबंधन था। तो ये उस टाइम हॉस्पिटल में ही थी, तो रक्षाबंधन जो है हम लोगों ने हॉस्पिटल में ही मनाया। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस राखी बांधी और कुछ नहीं। रक्षाबंधन पे घर में होते हैं तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सब खराब हो गया। ऐसे ही बस बच्चों को खुश करने के लिए हस्बैंड हॉस्पिटल में ही राखी लेके आए और थोड़ा सा कुछ सामान दिया वगैरह लेके आ गए थे घर से ही। तो बस हॉस्पिटल में ही राखी बांधी है कि बच्चे खुश रहें। और इसके लिए कुछ ले भी नहीं पाए क्योंकि मार्केट तो जा नहीं पाए, इसलिए गिफ्ट वगैरह कुछ ला नहीं पाए, इसलिए इसे ऐसे ही पैसे दिए हैं एक बार। और वो हंस रही है, पैसे लेके हंस रही है। सब खराब हो गया, बहुत कुछ सोचा था पर सब खराब हो गया। तो ये अभी आ गई है अंदर बिस्तर पे और 9 बजने वाले हैं, 9 बजे आता है डॉक्टर। डॉक्टर अभी आएगा इसको चेक करने के लिए। और हस्बैंड सुबह जल्दी लेके आ गए थे राखी, तो इसने 8:30 बजे करीब बांध दी थी क्योंकि जल्दी हॉस्पिटल में सुबह मिलने भी नहीं देते, इसलिए वो देखे बंधवा के राखी चले गए हैं क्योंकि उनको बाद में ऑफिस भी जाना है। और ये बोल रही है मम्मी घर कब जाएंगे, परेशान हो गई। इधर बोल रही है अच्छा नहीं लग रहा मुझे, घर जाना है। तो अभी डॉक्टर आएगा, वो बहुत बोलेगा कि कब घर जाना है, कब डिस्चार्ज मिलेगा। तो देखते हैं अभी क्या बताता है डॉक्टर। और ये देखो अपने खिलौने भी साथ में लेके बैठी हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।